अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, हमने प्रीवियस लेक्चर में अभी जो है सेमाफोर्स को देख रहे थे। ठीक है, सेमाफोर्स क्या होते हैं? सेमाफोर्स में हम मतलब एक ऐसे इंटीजर वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं जैसे कि जो प्रोसेसेस के लिए के सेंड और अदर जो हैं वो रिसीव के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटीजर वेरिएबल्स हम इसमें यूज़ करते हैं। तो वो दो ऑपरेशंस हैं उनको देख लेते हैं। पी है, पहला इसमें पी है, दूसरा वी है। पी वेट और डाउन, मतलब वेट और डाउन मतलब दो नाम है, वेट भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है। और जहां पे वी होगा, वी का मतलब है सिंगल सिग्नल और अप। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ वेट इज एज फॉलोस। जी भी अब हम वेट के हिसाब से बात करते हैं। ये पी है, वेट एस। ठीक है, वेट एस वाइल एस लेस देन इज इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब है नथिंग डू, ये कुछ भी नहीं करेगा। एस माइनस माइनस, ठीक है, जैसे कि सब हम एस प्लस प्लस करते हैं ना, उसमें ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक साइड पे माइनस माइनस हो रहा है। द डेफिनेशन ऑफ सिग्नल इज एज फॉलोज, ये वेट की थी। अब सिग्नल्स जो हैं उसकी क्या है सिग्नल्स, यहाँ इसका मतलब होता है कि वन, ये होती है जीरो, ये होती है वन। आपके सिग्नल्स मतलब सिग्नल्स अप हो रहे हैं वी वन को और पी मतलब जीरो। तो एक और नाम हमें पता चल गया वेट और डाउन के अलावा, पी वेटिंग का जीरो भी हो सकता है और वी सिग्नल्स और अप का वन भी हो सकता है, मतलब कि ऑन, वी ऑन भी है, वन भी है, पी जीरो भी है, ऑफ भी है। वेट और डाउन, ऑफ और जीरो, वी सिग्नल और अप, वन और ऑन, चार नाम हो गए। हाँ जी, सिग्नल एस है तो एस प्लस प्लस वन, मतलब के वन ऐड हो रहा है, इसमें वन माइनस हो रहा है। एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ सेमाफोर इन वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन, जो भी वैल्यू है सेमाफोर के अंदर वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन दोनों के अंदर, मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इनडिविजिबली। इफ वन प्रोसेस इज चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सेमाफोर, नो अदर प्रोसेस इज अलाउड टू मेक एनी चेंजेस साइमल्टेनियसली। अगर एक सेमाफोर की वैल्यू चेंज हो रही है तो दूसरा प्रोसेस जो है वो उसको अलाउ नहीं करेगा कि एक साथ ही तुम भी अपनी वैल्यू को चेंज कर सको। हाँ जी, यूजेज ऑफ सेमाफोर्स, सेमाफोर्स आर यूज टू सोल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ये जो सेमाफोर्स है ये भी क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के काम आते हैं। ठीक है, हम सिंक्रोनाइजेशन मेथड देखे, हार्डवेयर का मेथड देखा, तो वो सारे क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। बेकरी एल्गोरिथम देखे हैं फॉर एन प्रोसेसिस, मतलब कि मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसिस के लिए सेमाफोर्स को हम यूज करते हैं। द प्रोसेसेस यूज अ शेयर्ड सेमाफोर म्यूटेक्स, ये जो म्यूटेक्स है ना ये आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। अगर एक काम हो रहा है एक टाइम पे तो वही उसी को ही करेगा, मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म नहीं करेगा। इनिशियलाइज टू जीरो वन, सॉरी अ म्यूटेक्स इनिशियलाइज टू वन, लेट्स सपोज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेमाफोर फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज एज फॉलोज। अब ये देखें, इनिशियलाइज हम करते हैं वाइल ट्रू है, वेट म्यूटेक्स, तो देन वो किस में चला जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। सिग्नल म्यूटेक्स, देन वो रिमाइंडर सेक्शन में रहेगा। मतलब अगर उसकी वैल्यू उसको खाली मिल रही है, मतलब उसको वन मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, हाँ जी भी स्पेस है, तो वो क्रिटिकल सेक्शन में काम करेगा। अदरवाइज उसको क्या करेगा, सिग्नल की तरफ शिफ्ट कर देगा कि भाई रिमाइंडर सेक्शन में जाकर वेट करो। तो यहाँ पे वर्क कैसे हो रहा है, हेयर म्यूटेक्स इज द शेयर्ड सेमाफोर दैट इज इनिशियलाइज टू वन। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी है, शेयर्ड सेमाफोर है जिसकी वैल्यू जो है वो वन से स्टार्ट हो रही है। सपोज पी जीरो, प्रोसेस जीरो, एग्जीक्यूट वेट ऑपरेशन ऑन सेमाफोर। यहाँ पे पी जीरो है, वो वेट ऑपरेशन सेमाफोर के ऊपर अप्लाई करा, इट कैन एंटर इट क्रिटिकल सेक्शन बिकॉज द वैल्यू ऑफ म्यूटेक्स इज वन। अब यहाँ पे म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है, उसको ट्रू मिल रही है, वन मिल रही है, इट विल बी डिक्रीज बाय वन and P0 will enter its critical section. After that, at this point, P1 also tries to enter its critical section. अब यहाँ पे P1 क्या है,
कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होने की ट्राई कर रहा है एंड एग्जीक्यूट वेट ऑपरेशन, लेकिन उसको किस में डाल दिया गया है कि तुम अपनी रिमाइंडर सेक्शन में जाके वेट करो, इट विल हैव टू वेट बिकॉज द वैल्यू ऑफ म्यूटेक्स इज नाउ जीरो, इट विल वेट अंटिल पी जीरो एग्जीक्यूट सिग्नल ऑपरेशन एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ म्यूटेक्स बाय वन. So only one process at that time can enter its critical section, which guarantees mutual exclusion. So यहाँ पे यही है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में एक प्रोसेस एक साथ नहीं चल सकते. म्यूटेक्स का मतलब ये होता है कि वो एक काम हो रहा है, पहले वो कंप्लीट होगा देन दूसरा होगा. इसके ऊपर पहले वेट ऑपरेशन लगा, फिर सिग्नल का लगेगा, फिर मतलब कि ये फिर जाएगा क्योंकि इसके ऊपर वेट लग गया है कि वेट करो ठीक है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए. फिर सिग्नल जो है वो दोबारा अपने उस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा और अपना काम करेगा, देन वो दूसरे प्रोसेस को एंटर होने की इजाजत देगा. क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, तो यहाँ पे हम क्लासिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं. किसकी? हमारी सिंक्रोनाइजेशन की, जिसमें आपकी पहली आती है बाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम. सपोज देयर आर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम. प्रोड्यूसर produce objects with consumer uses for something. There is one buffer object used to pass object from producer to consumer. So यहाँ पे वो जो है कह रहा है कि एक ही buffer जो है वो pass करेगा as a object की form में, कहाँ से? producer से consumer की तरफ. So हमने producer और consumer को already भी देखा हुआ है. अब buffer is used to store production to producer. So buffer क्या कर रहा है? actually store कर रहा है production किसकी? producer की. The problem is to allow producers and consumer to access the buffer while ensuring the following. तो वो कैसे इसको use कर सकता है? Consumer कैसे इस buffer को pick करेगा? The shared buffer should not be accessed by these processes simultaneously. कि वो एक साथ इन processes को access नहीं कर सकता, जो भी shared buffer है ठीक है, एक साथ access नहीं कर सकता, one by one करेगा. Consumer do not try to remove object from buffer when it is empty. अब कंज्यूमर का ये काम नहीं है, वो ट्राई नहीं करेगा कि ये ऑब्जेक्ट अब रिमूव कर दो, ये मैंने यूज कर लिया है. प्रोड्यूसर्स डू नॉट ट्राई टू ऐड ऑब्जेक्ट टू द बफर व्हेन इट इज फुल. अब क्या चीज है? प्रोड्यूसर ट्राई नहीं करेगा कि अब बफर फुल है तो प्रोड्यूसर उसके अंदर कोई डाटा एंटर नहीं कर सकता. कंज्यूमर क्या करेगा? कोई ऑब्जेक्ट रिमूव नहीं कर सकता, उसकी ट्राई नहीं कर सकता अगर उसको खाली मिल रहा है. When condition 3 is dropped, like ये वाली 3 वाली condition drop हो जाती है, the buffer can have infinite capacity. Let's suppose करें कि अगर ये drop हो जाती है तो फिर उसके दरमियान में अब infinite जो है वो capacity होगी. The problem is called unbounded buffer problem. तो इस problem को हम क्या कहते हैं? Unbounded buffer problem. और sometimes just the producer consumer problems. Producer process while one मतलब true है, produce an item in next process, wait empty, wait mutex, ये सारे इसके ऊपर लग सकते हैं. Add next process to buffer, signal mutex, signal full. ठीक है, ये है आपके producer का process, यही काम ही वो कर सकता है ना, क्योंकि producer ने produce करनी है चीजें. या वो वेट करेगा एम्प्टी होगा, वेट करेगा म्यूटेक्स कोई चल रहा है उसके अंदर एक सिंगल टास्क, फिर ये वो क्या करेगा जो बफर होगा ऐड कर देगा नेक्स्ट प्रोसेस टू द बफर. सिग्नल्स दो ही काम है, वेट और सिग्नल ठीक है. अब सिग्नल एम्प्टी नहीं होगा, म्यूटेक्स हो सकता है, सिग्नल्स फुल हो सकते हैं. ये वही चीजें हैं जो आपको प्रीवियस अभी बताई हैं लेक्चर में, आई थिंक सो इधर सेमाफोर के अंदर ही बताई हैं मैंने. हाँ जी, कंज्यूमर के प्रोसेस में क्या है? कंज्यूमर प्रोसेस वाइल ट्रू है, वेट फुल, म्यूटेक्स ठीक है, उसमें यहां पे ये चीज एम्प्टी थी. अब कंज्यूमर में यही चीज है, कंज्यूमर ने कंज्यूम करना है तो वेट फुल भी हो सकता है, समटाइम वेट म्यूटेक्स भी हो सकता है, पहले से वो वेट कर रहा हो कोई प्रोसेस. रिमूव एन आइटम फ्रॉम बफर टू नेक्स्ट कंज्यूमर, सिग्नल्स म्यूटेक्स हैं, एम्प्टी हो सकते हैं. कंज्यूमर कंज्यूम दी आइटम इन नेक्स्ट, ही एक आइटम कंज्यूम कर लिया फिर वो नेक्स्ट की तरफ मूव हो जाएगा. अब इसको दिखा रहे हैं ये कैसे काम कर रहा, हाउ इट वर्क्स.
हेयर बफर इज द डाटा स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर प्रोसेस. म्यूटेक्स इज अ सेमाफोर फॉर प्रोवाइडिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड इज इनिशियलाइज्ड टू वन. ठीक है, ये इनिशियलाइज क्या करेगा, वन कर देगा, उसको ट्रू कर देगा. टू सेमाफोर्स एम्प्टी, लेट्स सपोज टू सेमाफोर्स एम्प्टी हैं एंड फुल आर यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फुल एंड एम्प्टी बफर्स. ठीक है, अभी आपने ऊपर देख लिया हुआ. The semaphore empty is initialized to n and full to zero. ये चीजें हैं इसके अंदर, इसके bullets के अंदर points हैं. The producer put data into the buffer. अब ये बता रहे कि कैसे काम कर रहा है. Producer data put कर रहा है किसके अंदर, buffer के अंदर. Buffer क्या कर रहा है, होल्ड्स ओनली एन आइटम. बफर का सिर्फ काम है उसने नंबर ऑफ आइटम्स होल्ड करने हैं. अब कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर गेट डाटा फ्रॉम द बफर. कंज्यूमर डाटा कहाँ से ले रहा है, उसी बफर से ले रहा है जहाँ पे प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया. द प्रोड्यूसर वर्क ओनली इफ द बफर इज नॉट फुल. ठीक है, प्रोड्यूसर तब ही काम करेगा जब आपका बफर फुल नहीं होगा. अब ये कैसे, इस कंसेप्ट का क्या मतलब है, बफर खाली है तो ही वो काम करेगा. ठीक है, नॉट फुल का मतलब यही है कि बफर खाली होना चाहिए तभी तो वो उसके अंदर डाटा एंटर करेगा, प्रोड्यूस करेगा. अदरवाइज फुल होगा तो वो वहां पे काम नहीं कर सकता. द कंज्यूमर वर्क्स ओनली इफ द बफर इज नॉट एम्प्टी. कंज्यूमर ने क्या चीज लेनी है, अगर आपका बफर ही खाली होगा तो कंज्यूमर कुछ कंज्यूम कर सकेगा, कुछ ले सकेगा नहीं. सो मतलब कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए और यहाँ पे फुल नहीं होना चाहिए. यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए तो वो डाटा एंटर कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है. और यहाँ पे अगर वो एम्प्टी होगा तो कंज्यूमर आपका डाटा कुछ भी नहीं ले सकेगा. तो इसलिए यहाँ पे कोई ना कोई डाटा बफर के अंदर होगा तो कंज्यूमर अपना डाटा जो है वो ले लेगा. हाँ जी, रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम्स. इन दिस प्रॉब्लम अ नंबर ऑफ कंकरेंट प्रोसेसेस, एक साथ जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, रिक्वायर्स एक्सेस टू सम ऑब्जेक्ट. और सब जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट को कॉल करना चाह रहे हैं, सच एज अ फाइल, किसी भी एक फाइल को. सच सम प्रोसेसेस एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे क्या है, कुछ प्रोसेसेस इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे कहाँ से, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड आर कॉल्ड रीडर्स. ठीक है, रीडर्स क्या हो रहा है, कुछ प्रोसेस इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं ऑब्जेक्ट से, उसको हम कहते हैं रीडर्स. सम प्रोसेसेस चेंज और इंसर्ट इंफॉर्मेशन इन दी ऑब्जेक्ट, वो जो है उस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं राइटर्स. दी बर्नस्टीन कंडीशन स्टेट दैट मैनी रीडर्स मे एक्सेस दी ऑब्जेक्ट कंकरेंटली. सो इसकी, ये जो आपका बर्नस्टीन है कंडीशन, इसके अंदर क्या करते हैं हम, दो मतलब मैनी रीडर्स मे एक्सेस ऑब्जेक्ट, एक साथ हम इसको एक्सेस कर सकते हैं रीडर्स के अंदर. बट इफ़ आर राइटर, जब हम राइटर की बात करते हैं, इज एक्सेसिंग दी ऑब्जेक्ट, नो अदर प्रोसेस रीडर्स और राइट मे एक्सेस दी ऑब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ पे हम कंकरेंटली राइटर नहीं कर सकते. There are two possible policies for doing this. Two policies हैं. First reader writer, second readers writer. हाँ जी, first में, first reader writers में क्या है problem, readers have priority over writers. It means that unless a writer has permission to access the object. So यहाँ इसका मतलब है कि जो writer होता है वो एक object के ऊपर somehow permission होती है. Any readers requesting access to object will get it. ठीक है, तो ये रीजन है कि वो प्रायोरिटी बेस काम करेगा और यहाँ पे उसको परमिशन जो है वो नहीं मिलेगी. किस चीज़ की, राइटर्स की, रीड की मिल रही या राइटिंग की नहीं मिल रही. दिस मे रिजल्ट इन अ राइटर वेटिंग इनडेफिनेटली टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट. सो रीडर काम कर रहा है लेकिन राइटिंग को एक्सेस नहीं मिली, तो राइटिंग को क्या करना पड़ा है, वेट करना पड़ रहा है. सेकेंड, रीडर राइटर्स प्रॉब्लम, राइटर्स है प्रायोरिटी ओवर रीडर्स. सो यहाँ पे है रीडर्स को प्रायोरिटी दी है, वहाँ पे राइटर्स को प्रायोरिटी दे दी है. सॉरी, यहाँ पे आपके रीडर्स को प्रायोरिटी दी थी, यहाँ पे आपके राइटर्स को प्रायोरिटी दे दी है. ठीक है, इस प्रॉब्लम में इट मीन्स दैट व्हेन अ राइटर विशेज टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट, ओनली रीडर्स विल हैव ऑलरेडी ऑब्टेन परमिशन टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट, आर अलाउड टू कम्प्लीट देयर एक्सेस. Any reader that requests access after the writer has done so must wait until the writer is done.
अब इसमें क्या है, रीडर को भी काम करना है तो उसको राइटर के काम के बाद ही अपना काम जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा. सो यहाँ पे रीडर को वेट करना पड़ा, दिस मे रिजल्ट रीडर्स वेटिंग इनडेफिनेटली टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट. भाई ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना, एक ही फाइल है, मैं इसके ऊपर रीड भी करना चाह रही हूँ, राइट भी करना चाह रही हूँ. तो एक प्रॉब्लम ये है कि रीडर की एक्सेस की प्रायोरिटी हाई कर दी गई है, राइटर की नहीं है. तो यहाँ पे रीडर को रीडर काम कर रहा है लेकिन राइटर को वेट करना पड़ रहा है. और सेकंड में क्या है, राइटर को एक्सेस दी दी गई है, प्रायोरिटी दे दी गई है, तो यहाँ पे राइटर अपना काम कर ही जा रहा है. मतलब कि रीडर रीडिंग की एक्सेस की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं हो रही और उसको वेट करना पड़ रहा. There are two concerns. Enforce the Bernstein condition among these processes. Enforce the appropriate policy of whether the readers or the writers have priority. So यहाँ पे enforce कर देते हैं, यहाँ पे readers और writers की policies को हम बजाय उसकी कि उसकी policy set कर दें, ठीक है, priority की बजाय हम उसकी policy set कर दें. A typically example of this occurs with database when several processes are accessing data. बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं. सम विल वांट ओनली टू रीड द डाटा, कुछ जो है वो रीड करना चाह रहे हैं, अदर चेंज इट, कुछ उसको चेंज करना चाह रहे हैं. द डेटाबेस मस्ट इंप्लीमेंट सम मैकेनिज्म दैट सॉल्व द रीडर राइटर प्रॉब्लम. सो जो आपकी डेटाबेस है ना वो इस चीज़ की इसका चीज़ का सोल्यूशन है. सो वो आपको दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, शेयर डाटा, राइटर प्रोसेस, रीडर प्रोसेस. अब हम इनको वन बाई वन देखते हैं. सेमाफोर म्यूटेक्स इज इक्वल टू वन, सेमाफोर राइट इज इक्वल टू वन, इंटीजर रीड काउंट इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, यहाँ पे शेयर डाटा का कॉन्सेप्ट है. राइटर प्रोसेस में क्या होगा, वेट राइट, राइटिंग इज परफॉर्म. यहाँ पे क्या हो रही है, राइटिंग परफॉर्म हो रही है, सिग्नल राइटिंग, फिर वो देन राइटिंग को दे रहा है. सिर्फ और सिर्फ राइटर प्रोसेसिस के लिए है ये, कि वो दूसरे को भी फिर राइट करने के लिए ही काम कर रहा है. रीडर प्रोसेस में क्या होगा, वेट म्यूटेक्स, ठीक है, एट अ टाइम एक ही काम होगा. रीड काउंट इज इक्वल टू रीड काउंट प्लस वन. इफ रीड काउंट इज इक्वल टू वन होगी तो देन वो उसको कहेगा ओके, सिग्नल म्यूटेक्स, रीडिंग इज परफॉर्म, वेट म्यूटेक्स. यहाँ पे वेट और सिग्नल एक्चुअली ये चीज़ नहीं है, ठीक है, पी और वी का कॉन्सेप्ट है. मतलब ये दो उसके डेटा वेरिएबल्स हैं सेमाफोर्स के, ट्रू और फॉल्स वैल्यूज हैं ये. रीड काउंट इज इक्वल टू रीड काउंट माइनस वन. लेट्स सपोज करें अगर रीड काउंट माइनस वन उसको फाउंड हो गया, तो इफ रीड काउंट इज इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के ऊपर सेट होगी, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सिग्नल राइट होगा और जो भी आपका सिग्नल है उसको म्यूटेक्स, मतलब एक ही वैल्यू एट अ टाइम जो है वो आएगी. जैसे कि यहाँ पे डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम है, उसकी एग्जांपल दी है, देयर आर फाइव फिलोसफर्स सीटेड अराउंड द डाइनिंग टेबल्स. मतलब कि पांच फिलोसफर्स बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पे आप वो ह्यूमंस तो नहीं बनाए लेकिन प्लेट्स तो पड़ी हुई हैं. With a plate of food in front of each, हर एक के सामने एक जो भी फूड पड़ा हुआ है तो वो रखा हुआ है. One, the table between each pair of philosopher, there is a single chopsticks. ठीक है, एक ही उनका एज पॉइंट है ना, एक ही टेबल है. A philosopher needs to pick up both the left and right chopstick in order to eat. देखिए chopstick ये है आपकी पड़ी हुई, ठीक है, ये इस साइड पे भी पड़ी है, इस साइड पे भी पड़ी है. अब कंफ्यूजन तो है ना, वो ये भी उठा सकता है, वो भी उठा सकता है. आइदर इज यूज अनदर फिलोसोफर, ही मस्ट वेट. ऐसा ही है, पहले जो उठाएगा वो दूसरा उसका वेट करेगा कि हाँ भाई मैंने ये उठानी है. द प्रॉब्लम इज टू फाइंड अ वे टू सिंक्रोनाइज एक्सेस टू द चॉपस्टिक टू मेक श्योर दैट एवरी फिलोसोफर गेट अ चांस टू ईट. ठीक है, अब वो वैलिड उठाएगा तो दूसरे को चांस मिलेगा खाने का. वन सोल्यूशन इज टू कंट्रोल एक्सेस टू ईच चॉपस्टिक विद अ सेपरेट सेमाफोर. व्हेन अ फिलोसोफर वांट्स टू पिक अप अ चॉपस्टिक, इट परफॉर्म्स पी ऑपरेशन ऑन द कोरेस्पोंडिंग सेमाफोर. सो हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगा देंगे. व्हेन चॉपस्टिक इज पुट बैक ऑन टेबल, वी इज परफॉर्म ऑन द सेमाफोर. सपोज द फिलोसोफर आर नंबर 0 to 4, ठीक है, जो भी फिलोसफर है 0 to 4, एंड सेमाफोर्स आर आल्सो नंबर फ्रॉम 0 to 4. फॉर फिलोसफर आई
द लेफ्ट चॉपस्टिक इज चॉपस्टिक आई एंड द राइट चॉपस्टिक इज चॉपस्टिक आई प्लस वन रिमाइंडर फाइव। ठीक है, अब एक ने उठा ली है, उसने अपनी लेफ्ट वाली उठाई है, तो बाकी जो है फिर उसी की डिवीजन की बेस पे फाइव का रिमाइंडर ले लेंगे, जो आएगा वो ही अपनी वाली चॉपस्टिक को उठाएंगे। शेयर डाटा, सेमाफोर चॉपस्टिक ये एरे के फॉर्म में दे दिया कि फाइव है ना, फाइव चॉपस्टिक्स पड़ी हुई हैं। फिलोसोफर आई वाइल ट्रू होगी तो ये इंटरनल काम होगा, वेट चॉपस्टिक आई वेट चॉपस्टिक, देखिए एक ने उठा लिया है, दूसरा फिर बाकी किस तरह काम करेगा। आई प्लस वन जो ये वाला आई था उसने एक ले लिया, वन प्लस वन टू हो गया, तो जो भी रिमाइंडर होगा फिर वो दूसरे का बनेगा, फिर तीसरे का बनेगा, फिर सो ऑन फाइव तक इसको हम क्लियर डिवाइड करेंगे, बिकॉज हमारे पास चॉपस्टिक कितनी है, फाइव हैं। तो देन वो क्या करेगा, ईट खाएगा, चॉपस्टिक मिल गई या वो खाएंगे अगर ट्रू होगी। हाँ जी, सिग्नल चॉपस्टिक वन, लेट्स सपोज ये ट्रू है तो सिग्नल में क्या है, चॉपस्टिक वन रिमाइंडर आई। अब वो यहाँ पे थिंक करेगा कि मुझे कौन सी चॉपस्टिक जो है उठानी है, यहाँ पे तो पता चल गया क्लियर कि ट्रू हो गई है और ये खानी है। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्नल्स की फॉर्म में अगर वो आपका जो दूसरा वेरिएबल हम ले लेते हैं सिग्नल वाला वी है ये, ठीक है, वी और ये पी था, हमने ऊपर सेमाफोर्स में देखे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से रीड आउट करना है, थॉरली अगर रीड करेंगे तो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे वो क्या सोचेगा कि मैंने कौन से वाली चॉपस्टिक उठानी है, यहाँ पे एक्चुअली उसे पता नहीं चल रहा, यहाँ पे वन दे दी है, कौन सी वन, इतनी सारी जो पड़ी हुई है, ये वाली वन है या ये वाली वन है, लेकिन आई हमने जब एक डाटा वेरिएबल लगा दिया कि भाई ये तुम्हारी है, ये लेफ्ट साइड वाली तुम्हारी है, ठीक है, तो फिर ये जो इसको फिर बाकियों को क्या कहते हैं, डिवाइड करेगा, फिर उसी बेस पे वो उठाते जाएंगे, फिर वो देन क्या करेंगे, उसको खाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपकी स्लीपिंग बार्बर वाली प्रॉब्लम्स है इसको आपने रीड आउट करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, मैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी, ठीक है, और आप लोगों ने मुझे बताना है, मैंने आप लोगों से पूछना है कि इस प्रॉब्लम में क्या आपको समझ आई है और प्रीवियस आपने क्या पढ़ा है, पहले आप लोगों से क्वेश्चनिंग होगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, असाइनमेंट्स करें, अल्लाह ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।